आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं अमित दत्ता। आज हम रांची जिला के बोंडू प्रखंड क्षेत्र के ताऊ पंचायत स्थित इस मुंडा टोली पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर इस टोली पर एक जल मीनार है, जैसे कि हम आपको अपने विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जल मीनार आज से पिछले 2010 ईस्वी के आसपास जो है ये जल मीनार बनी थी। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे यहाँ के ऑपरेटर से भी और यहाँ के पंचायत समिति धीरेन महतो जी से भी कि क्या कुछ है इसमें बात और क्या कुछ नहीं है। ये पिछले 10 सालों से ये बंद पड़ी हुई है और इसका अभी तक किसी प्रकार का लगातार जो है इसका जल का किसी प्रकार का आपूर्ति नहीं हुआ है। हालांकि ताऊ पंचायत क्षेत्र जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने घर में पानी पीने के लिए गर्मी के दिनों में व्यवस्था हो जाती है और साथ ही साथ दूर दराज से जो है पानी वगैरह लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस जल मीनार का होना और ना होना बात बराबर साबित हो रहा है। आज के दिन में देखी जाए तो गर्मी के समय जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि जल के लिए ग्रामीण महिलाओं को भी दूर दराज जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ताऊ पंचायत में यह जल मीनार का होना एक बहुत बड़ा शोभनीय बात है, लेकिन ये शोभनीय बात होते हुए भी ये अशोभनीय जैसी संज्ञान में आ रही है बातें। तो हम सीधे यहाँ के पंचायत समिति हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का वाक्यांश था। सबसे पहले धीरेन जी ये बताएं कि ये जो पंचायत से स्तर से जो बनाया गया था क्या कुछ था इस पे और कब बना था ये? वो तो पूरा इस भी याद नहीं है, लेकिन 2010-11 में आसपास में ये जल मीनार बना है। अच्छा। और ये जब जल मीनार बना था उस समय और अभी तक कितना बार ये चालू हुआ और कितना बार बंद हुआ? चालू होने का तो कोई बार एक महीना सुचारू रूप से नहीं चला है, नहीं तो जब भी खराब होता है बनता है तो 6-7 रोज चलता है, उसके बाद खराब ही पड़ा रहता है। फिर कभी कंप्लेंट किया जाता है कि पानी नहीं आ रहा है तो फिर विभागीय कार्रवाई किया जाता है, तो एक सप्ताह जैसा चलता है फिर पुनः खराब हो जाता है, वैसे ही खराब ही रहता है। मेंटेनेंस वगैरह की जब बात करें तो मेंटेनेंस वगैरह क्यों नहीं हो पाता है यहाँ पर? मेंटेनेंस देखिए, इसका जो जलापूर्ति योजना से जो भी इनकम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जब तक ग्राहक को पानी नहीं दीजिएगा तो उनसे रेवेन्यू कैसे लीजिएगा। नहीं होने के कारण अभी तक बिजली बिल हमको लगता है लाखों रुपया हो गया, कुछ मुखिया अपना सो तो अपना पैसा जमा किए फिर भी अभी बहुत बिल पड़ा हुआ है, लेकिन चलता ही नहीं है तो लाभुक कैसे पैसा देगा, इसलिए इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक बिजली बिल की बात करें तो बिजली बिल ऐसी हालत में जब ये जल मीनार ऑपरेट ही नहीं हो पाती है, चल ही नहीं पाती है, तो बिजली बिल कैसे हो जाता है? ये तो विभाग ही समझेगा कैसे बिल इतना बढ़ रहा है और कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहाँ से कनेक्शन इसका आउट हो रहा है, ये तो मेरा संज्ञान में नहीं है। जैसे कि बात करें ये जो ऑपरेटिंग हाउस जो यहाँ पर बनाया गया, हमारे सहयोगी से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो दरवाजा जो बनाया गया ये दरवाजा भी टूटा हुआ है, क्या कुछ सबसे पहले के समय में जब बना के जब सुपुर्द किया गया होगा उस समय तो ऐसे हालत नहीं रही? नहीं, ये तो कुछ दिन पहले टूटा होगा, पहले तो ठीक ही था, कुछ दिन पहले ये टूटा है, पहले तो था ही दरवाजा। कितने लोग इस पे लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से? 200 से 250 कनेक्शन लगभग मेरा अनुभव से हो सकता है, उससे भी काहे कि किधर किधर अभी तो लाइन कट गया है, नहीं तो कनेक्शन तो पूरा बुंडू मतलब ताऊ पंचायत में लगभग बिचकाटोली ताऊ और महतो टोला अहिटोला ये सब में कनेक्शन था, सभी को पानी भी मिल रहा था, लेकिन जितना दिन मिलता है उसके बाद बंद हो जाता है, इसलिए लाभुक जो उसका अमाउंट है नहीं देता है, कोई कलेक्शन भी नहीं करता है, जब पानी नहीं चलता है तो कलेक्शन नहीं कर पाता है। इतनी सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है और ऐसी स्थिति में क्या कुछ खराबी हो जाता है जिसकी वजह से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है? ये तो जो जलापूर्ति योजना PhD विभाग है वो ही बता पाएंगे कि इसका मोटर का क्या कारण हो जाता है जो बराबर जल जाता है, और उसका मरम्मती होता है तो कैसा मरम्मती होता है कि 2-4 रोज एक सप्ताह चलता है और फिर खराब हो जाता है। ये लमसम कितना का योजना रहा होगा? ये तो हमें अनुभव नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे साथ पंचायत समिति धीरेन महतो जी हैं, जिनका साफ कहना ये है कि जब से ये जल मीनार बना है तब से लेकर अब तक 250 से 300 कनेक्शन ऐसे परिवारों का है जहाँ पर जल पहुँचाने के लिए बनाया गया था। हम बात करें एक ये जो आप बोरिंग देख रहे हैं, हम आपको अपने तस्वीर के माध्यम से हम आपको एक बोरिंग दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हम जैसे अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक बोरिंग है, इस बोरिंग के अंदर में एक मोटर भी है जो जल गया है, और यहाँ पर जिस तरह से स्टेबलाइजर वगैरह और जिस तरह से हम आपको अपने तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मीटर भी है
और मीटर में 3 मार्च 2020 का यहाँ पर इस मीटर को लगाया गया है, जो कि उसका लगातार जो है बिल भी आपको नजर आता होगा, बिल भी लगातार जो है इस मीटर के माध्यम से जो है पहुँच रहा है। हालांकि मोटर तो बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। यहाँ के ऑपरेटर हमारे साथ हैं, हम ऑपरेटर से ही सीधे जुड़ लेते हैं। क्या कुछ है और क्या कुछ कहना है बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? श्यामचंद मुंडा। श्यामचंद जी, ये बताइए कि आप इस जल मीनार का ऑपरेटिंग कब से कर रहे हैं? जब से बना है। कब बना था ये? वो तो इस भी हमको भी पता नहीं है कब बना है, मैंने बहुत दिन हो गया। तो इसका सारा मेंटेनेंस का और जो बात करे देख रेख का, ये सारा काम आप ही करते हैं? मेंटेनेंस तो हम कैसे कर पाएंगे, देखरेख कहाँ से पैसा आएगा? देखरेख करने, देखरेख करते थे, लेकिन अभी तो देखरेख भी कुछ देखने का लायक है ये नहीं, तो क्या देखेंगे? ये जो मीटर ठोका गया, ये कब ठोका गया? उठो तो ही मार्च समय, हम नहीं थे घर में। अच्छा। तो उसी समय वगैरह तो आप अपने पास ही रखते हैं चाबी वगैरह? चाबी तो यहाँ पहले ही पानी पाके फ्राई का बोलते हैं प्लाईवुड का दिया हुआ था, पानी पाके खत्म हो गया। बहुत दिन, कितना दिन हुआ? बहुत दिन हो गया ना। अच्छा। दरवाजा मतलब जो है सड़ के खत्म हो गया? सड़ के खत्म हो गया है। अच्छा। ये चीज बताएं कि ये जो मोटर है कब से बंद पड़ा हुआ? ये बहुत दिन से, 2-4 रोज माने 1 महीना कैसे चलता है और बंद पड़ा हुआ है। मान लीजिए हमको कुछ पैसा देने का था ऑपरेटर के माध्यम से, कुछ तो मिलता, वो भी इतना दिन हुआ है कुछ नहीं मिला है। आपको किसी प्रकार का लाभ मतलब जो योजना का? इतना जमीन दिए, सब दिए, उसके बाद कुछ लाभ नहीं। आप ही दिए? हम दिए हैं। अच्छा, ये जमीन आप दिए हैं और ये आप ही का जमीन पर बना? हाँ, मेरा जमीन इसके पर बना। लिए आपको कुछ जो है मुआवजा वगैरह दिया? कुछ नहीं मिला। क्या कहा गया था, कुछ पैसा वगैरह दिया जाएगा? कुछ पैसा तो नहीं, मान लीजिए चलेगा मोटर ऑपरेटर कीजिएगा पैसा मिलेगा आपको। अच्छा, तो पहले पैसा आप उस काम को नहीं दिया? काम को कर रहे हैं हैं? आप उस काम को कर रहे हैं? कहाँ हो रहा है, कामे नहीं हो रहा है, बंद पड़ा हुआ तो क्या काम करेंगे बोलिए। एक चीज बताइए, इसके अलावा भी एक मोटर वहाँ पर लगाया गया आपके घर। हाँ, घर पर? हाँ, घर के सामने। हाँ। वो क्या है वो वाला मोटर जल गया है, उसके बाद वो वाला जब निकल... ये मोटर सही है? ये मोटर तो सही था लेकिन बंद पड़ा हुआ है, क्या कारण? बोरिंग भी सही है? वायरिंग भी सही है। तो जब ये बोरिंग सही है, मोटर सही है, तो फिर वहाँ पर बोरिंग क्यों किया गया था, क्या कारण? दो बोरिंग किया गया था एक ही साथ, उसके बाद वो भी और ये भी, दोनों को साथ में प्रेशर बनाने के लिए। हाँ, किया गया था। अच्छा, दोनों को प्रेशर बनाने के लिए। वहाँ अभी तत्काल में वो मोटर भी उड़ चुका है? उड़ चुका है। अच्छा, और उसका यूज आप खुद से अपना पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं? पर्सनल यूज कहाँ करेंगे, मोटर उड़ गया है तो कहाँ से पर्सनल यूज कर पाएंगे। मोटर हम देखे डाला हुआ था, क्या था वो मोटर, अपने से डाले किस तरह से? हाँ, वो वाला तो अपने से डाले हैं। मान लीजिए इतना दिन से आप, हम काम कर रहे हैं, 4 आना पैसा नहीं मिला है इसमें। मान लीजिए पानी आदमी पीने के लिए तरस रहा है, अपना अपना पर्सनल यूज के लिए आप करते हैं इसका काम? अच्छा, एक चीज बताइए, मान लीजिए पानी पीने के लिए आदमी तरस रहा है तो क्या करेगा? मान लीजिए बोरी इसकी, आप जो ऑपरेटर है, इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं, कहीं मुखिया को या फिर समिति को या फिर कहीं वीडियो अधिकारी को या फिर जलपूर्ति विभाग को कहीं किए? वो भी तो पता है, उन लोग को भी आता है, देखता है, चला जाता है सब कोई। किसी प्रकार का कोई मतलब पहल नहीं किया गया आपके अनुसार? आके देख के चला जाता है। मान लीजिए इसका मेन है मुखिया, मुखिया को फोन करते हैं, वो ऊपर में जेई को फोन करते हैं, उसे बात करते हैं, कितना बार कंप्लेन किए हैं, तो कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन किसी प्रकार का कोई पल नहीं हुआ? आता है 2 दिन बन जाता है, उसके बाद फिर वही पुराना स्थिति बिगड़ जाता है। क्या ऐसा क्या कारण हो रहा है कि इस मोटर पर क्या कारण हो रहा है, वही तो पता नहीं क्या कारण हो रहा है जो बंद पड़ रहा है बार बार। ठीक से होने के नाते आप इस चीज को पूछताछ नहीं, जानकारी नहीं लिया इसका? जानकर मशीन बंद हो जाता है तो और क्या करेंगे, उसके बाद फिर बोलते हैं मशीन बंद हो गया। तो कुछ तो लोड नहीं ले रहा होगा या फिर कोई दूसरा कुछ कारण है कि क्या कारण? वोल्टेज का प्रॉब्लम है क्या है? वोल्टेज तो है, एक मोटर का इतना बड़ा ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, वोल्टेज तो कम नहीं पड़ेगा। 5 HP का? 5 HP का? हाँ। 5 HP पे ये कितना देर में फुल हो जाता है? 8 घंटा तक लगता है, 8-10 घंटा। मतलब ये बन जाने के बाद 2-3 दिन रहता है, उसके बाद फिर पुनः खराब हो जाता है? वो अनिश्चित है, कितना दिन रहेगा वो निश्चित नहीं है, कुछ दिन चलता है। टेस्टिंग कितना दिन तक गया है बनने के बाद भी? बनने के बाद एक बार गया था, कम से कम 6 महीना। 6 महीना लास्ट यूज हुआ है, उसके बाद मतलब कंटिन्यू यूज नहीं हो पाया? हाँ, उसके बाद। जैसे की स्थिति हाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ताव पंचायत में ये जो जल मीनार जो बना हुआ है, आज से
कहा जा सकता है कि लंबे अरसों से आदमी के लिए, एक लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए एक पहल होती है कि काश एक जल मीनार हमारा क्षेत्र में हो, हमारा पंचायत में हो, हमारा गांव में हो। लेकिन ये जल मीनार होने के बावजूद यहाँ के लोगों का गला जो है सूखने को व्यवस्था है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि क्या कुछ हकीकत आपको हम जानकारी दिए। यहाँ का हम जेई से भी हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार जो है यहाँ का मोटर जो समर्सिबल जो जो लगाया गया है वो क्यों इस स्थिति में खराब हो जा रही है, क्यों लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पा रही है। एक स्थिति इतना महंगा जलापूर्ति योजना के तहत इसको बनाया गया और इस दरमियान लगातार एक सामान्य सा मोटर या समर्सिबल कह लें ये खराब होने के बावजूद इसका मरम्मति फिर से नहीं किया जाता है और फिर से जो है वो खराब हो जाता है और फिर लोग जो है पानी के लिए तरसते हैं। इस तरह की समस्या को साथ हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। हमारे सहयोगी अमित रवि के साथ मैं अमित दत्ता, आजाद सिपाही, बुंडू। मुखिया जी ये बताएं कि जो जल मीनार है वो कब बना था और वो क्यों बंद पड़ा हुआ था? जल मीनार चुनाव से पहले बना हुआ था और बीच में कंप्लेन जाने के बावजूद एक बार बीच में बन चुका था, बनने के बावजूद फिर बाद में फिर बंद पड़ा है। लेकिन हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम नहीं बना पाए और जय साहब को भी हम उसको सूचना दिए थे कि बंद पड़ा है जल मीनार, क्योंकि पानी पीने के लिए लाभुकों को बहुत परेशानी करने का सामना करना पड़ रहा है बोल के, तो जय भी ध्यान नहीं दिए हैं। इसके वजह से मैं तो बहुत दिन से प्रयास करते हुए भी नहीं हो पाया। बीच में हम बहुत खर्चा भी कर चुके थे अपना स्तर पर लेकिन नहीं बना है। तो क्या कुछ किया जाएगा उतना रुपये कि वो सिर्फ दो जो है वहाँ पर समर्सिबल लगाने की आवश्यकता है और वो चल पड़ेगा फिर, क्या कुछ पहल करें इसके लिए? तो विभागीय स्तर पर ही सुझाव दे और हम लोग को पानी मिले सही सलामत रूप से। मेरा पंचायत वासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके इस पानी सार्वजनिक जल मीनार को चालू किया जाए। वो तो गलत कर रहा है क्योंकि हमको कोई बताए भी नहीं है और मुझे सूचना भी नहीं मिली है कि वो अपना पर्सनल समर्सिबल लगाया है और टंकी सिंटेक्स लगा कर वो पानी का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो गलत कर रहे हैं। इसके बावजूद अब जब आप पता चला कि वहाँ पर पर्सनल यूज कर रहा है ऑपरेटर, तो मैं सूचना मिलने के बावजूद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और उसके उसको थोड़ा कार्रवाई करूँगी जो लगाया है उनको। और अभी जो बंद पड़ा है इसको मैं यथासंभव बहुत प्रयास से जारी रखूंगी कि इस जल मीनार को कितना जल्दी हो सके मैं चालू करने का प्रयास करूंगी जरूर। आपको परिचय? मैं तव पंचायत की मुखिया रोशनी लंग जी बोल रही हूँ। हमारे साथ वार्ड पार्षद मंगल मुंडा जी हैं, तो हम सीधे जुड़ लेते हैं। मंगल जी सबसे पहले बताएं कि ये जो जल मीनार जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं जी, ये कब बना था? ये लगभग 2010 या 11 में। 2010-11 हाँ। तो ये जो जल मीनार जब से बना तब से लगातार लोगों को क्या जलापूर्ति मुहैया कराया गया कि क्या? नहीं, लगातार नहीं हुआ है। कब कब हुआ था इसका? बीच बीच में जैसे 15 दिन 20 दिन 6 दिन, उसके बाद फिर मतलब ये खराब होते जा रहा है। तो क्या कुछ खराब हो रहा है? क्या बोरिंग से कोई प्रॉब्लम है या फिर मोटर से कुछ प्रॉब्लम है? अभी तो देखने में लगता है तो मोटर से खराब। हाँ, अच्छा, एक मोटर जो है ऑपरेटर के घर के पास भी एक किया गया है। हाँ, क्या कुछ है वो ऑपरेटर जो बताया ना अभी हम लोग को कि जो दूसरा मोटर है वही मतलब जल गया है बोल रहा है वो। तो दो बोरिंग करने की क्या आवश्यकता है जब एक बोरिंग से जब सारा व्यवस्था हो सकता है, तो दो बोरिंग करने की आवश्यकता क्या होती है? दो बोरिंग करने का मतलब जो यहाँ प्रेशर मरता है ना, तो एक बोरिंग से उतना नहीं मार पा रहा है प्रेशर। मतलब यहाँ पर इस बोरिंग को चलाने के लिए, इस जल मीनार को चलाने के लिए दो बोरिंग की आवश्यकता हो रही है। हाँ, चढ़ाई मिलता है उधर ना, तो यहाँ प्रेशर मारने नहीं सकता है। अच्छा। इसलिए दोनों बोरिंग का यूज किया जाता मतलब, है इसका मतलब यही है कि दोनों बोरिंग को चलना आवश्यक है। हाँ, तभी जो है ये मोटर जो है जल मीनार काम कर पाएगा। हाँ, तब तक पानी पहुँच पाएगा। हाँ, यहाँ प्रेशर मार सकता है तब तक। मतलब दोनों ही मोटर खराब हो गया? हाँ, अभी तो है दोनों खराब है। दोनों ही, हाँ। तो दोनों ही समर्सिबल जो है वो खराब हो चुका है और इसके बनाना आवश्यक है।
हालांकि ऑपरेटर का घर है और घर के पास ही जो है ऑपरेटर के द्वारा ही जमीन मुहैया कराया गया है, जमीन दान में दिया गया है, जिसके अवज से उनको ऑपरेटिंग का यहां पर व्यवस्था संभालने के लिए दिया गया। हालांकि उसका अभी तक किसी प्रकार का पेमेंट उनको नहीं मिला है और ना ही ये सुचारू रूप से ऑपरेट हो पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जाती है।